हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में। आज तक हम क्या करते हैं, पहले हमने थ्योरी पढ़ा है और फिर उसको एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई किया है। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से उस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। इससे होगा क्या, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका क्लियर विजन हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, जो कि हमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ अमीन। ये तीन टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, डिग्री ऑफ अल्कोहल। उसके लिए हमें दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, क्या हम एक पूरे मॉलिक्यूल की डिग्री बता सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम एक मॉलिक्यूल की डिग्री नहीं बता सकते हैं, जबकि हम एक मॉलिक्यूल के प्रत्येक कार्बन की डिग्री बता सकते हैं। अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे बताया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट कार्बन। मतलब जिस भी कार्बन की आपको डिग्री देखनी है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले हम देखें इस वाले कार्बन को, तो देखिए ये कार्बन कितने डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे, तो इस वाले कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। अब हम बात करें अगर इस कार्बन की, तो यहां पर देखिए ये कार्बन कितने डायरेक्ट कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री होगी 2। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, तो ये कार्बन देखिए एक तो इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक इस वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हम बोल देंगे कि इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 3। अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कार्बन एक डायरेक्ट कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है और एक आप देख सकते हैं इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री। अब आपके लिए एक सवाल है कि इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। यहां पर हमें इस कार्बन की अगर डिग्री बतानी हो, तो देखिए ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से इससे जुड़ा हुआ है, तो हम बोल देंगे इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बन की बता सकते हैं। हम अगर इस कार्बन की डिग्री बताना चाहे, तो देख लेंगे कि ये कार्बन देखो एक डायरेक्ट कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। इसी प्रकार से हम सभी कार्बन की डिग्री बता सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इस वाले कार्बन की डिग्री बता सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ कार्बन कैसे बताते हैं। आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, जिस भी कार्बन की आपको डिग्री देखनी है, वो कार्बन जितने डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो हाइड्रोजन जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वही उसकी डिग्री हो जाती है। जैसे अगर बात करें ये वाले हाइड्रोजन की, इस कार्बन पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की अगर हमें डिग्री बताना हो, तो हम इस कार्बन की डिग्री देखेंगे। मान लो कोई हाइड्रोजन 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन की डिग्री भी 1 हो जाएगी। अगर कोई हाइड्रोजन 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन की डिग्री भी 2 हो जाएगी। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की डिग्री होगी 3। अब हमारा सवाल आता है कि क्या हाइड्रोजन 4 डिग्री का भी हो सकता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये एक कार्बन है जो चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 डिग्री। तो देखिए 4 डिग्री कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं एग्जिस्ट करता है। 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करता है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। दो एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल हम कैसे बताते हैं। देखिए अल्कोहल की डिग्री बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल हम किसको बोलेंगे। यदि sp3 कार्बन एटम से, यदि sp3 कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम अल्कोहल बोलेंगे। चलिए इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अल्कोहल हम कैसे बताएंगे। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसकी डिग्री ही अल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे हमें इस अल्कोहल की डिग्री अगर बतानी हो, तो देखिए ये वाला OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन की डिग्री देख लेंगे।
तो आपको पता है कार्बन की डिग्री हम कैसे देखते हैं, जितने डायरेक्ट कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो देखिए ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। तो देखो जितने डिग्री के कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस अल्कोहल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी। तो ये अल्कोहल 2 डिग्री का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वाले OH ग्रुप की। तो देखो sp3 एटम से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम अल्कोहल बोलेंगे। तो इस अल्कोहल की डिग्री हम कैसे बताएंगे, जितने डिग्री के कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं 3 डिग्री के कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस अल्कोहल की डिग्री भी क्या हो गई, 3 डिग्री। अब यहां पर देखिए 2 OH ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां पर देखिए sp3 कार्बन एटम से OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो हम इसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाता है फिनोल। अगर ये CH2OH यहां पर नहीं जुड़ा होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। sp3 कार्बन एटम पर OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो हम इसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे और इसकी डिग्री भी हम नहीं बता सकते। अब स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि क्या हम यहां पर डिग्री ऑफ अल्कोहल बता सकते हैं, जी हाँ हम बता सकते हैं, क्योंकि देखिए sp3 कार्बन एटम से OH ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है। तो हम यहां पर कैसे बताएंगे डिग्री, ये OH ग्रुप जितने डिग्री के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वही इस अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर हम देखेंगे इस कार्बन की डिग्री, तो ये कार्बन देखो एक डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री है 1। तो हम यहां से बोल देंगे ये जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री का अल्कोहल है। तो मैं उम्मीद करता हूं डिग्री ऑफ अल्कोहल बताने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आने वाली है। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ अमीन। इन 5 एग्जाम्पल्स की मदद से हम डिग्री ऑफ अमीन को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ अमीन हम कैसे बताते हैं, नाइट्रोजन से डायरेक्टली जितने कार्बन जुड़े हुए होंगे वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो देखिए अल्कोहल के केस में क्या होता था, OH ग्रुप जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। और कार्बन के केस में क्या होता था, कार्बन डायरेक्टली कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री होगी। लेकिन अमीन के केस में ऐसा नहीं होता है। अमीन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री होगी। तो यहां पर देखिए पहले एग्जाम्पल में CH3 CH2 NH2, यहां पर देखिए इस नाइट्रोजन से कितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला। इस नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इस अमीन की डिग्री कितनी होगी, 1। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। यहां पर देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि NH2 ग्रुप 2 डिग्री के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इस अमीन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीन के केस में हम कैसे बताते हैं, नाइट्रोजन से जितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये वाला अमीन का डिग्री भी कितना होगा, 1। इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखिए, यहां पर ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इस वाले अमीन की डिग्री भी कितनी होगी, 1 डिग्री। अब देखिए चौथा एग्जांपल, यहां पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो इस वाले अमीन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री अमीन। यहां पर देखिए अगले एग्जाम्पल में इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इस अमीन की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री होगी। अगर आपको बोला जाए कि इस पूरे मॉलिक्यूल की डिग्री बताइए तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल की डिग्री हम नहीं बता सकते। हम किसकी डिग्री बता सकते हैं, मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम की डिग्री हम बता सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, कार्बन की डिग्री देखना, हाइड्रोजन की डिग्री देखना, अल्कोहल की डिग्री देखना और अमीन की डिग्री देखना, ये 4 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन 4 टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।